गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आई एम श्योर आज अष्टमी आप सब लोगों ने बहुत सारा खाया होगा, पूरी, छोले, हलवा एंड लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड बहुत सारी मिठाइयाँ एंड पूरा दिन का जो बैलेंस है, जो आपका डाइट का चल रहा था, वो सारा मिसमैच हुआ होगा। सो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? आप लोगों को पता है कि मैंने वेट गेन किया हुआ है 3 to 4 kgs, एंड वो भी किया क्यों है, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ इवेंट होने वाला है एंड मैं भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, सब चीज़ें न्यू हैं। सो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यू नो, चीज़ों को, वर्क को बैलेंस करना एंड चीज़ें बैलेंस करना। अब हम बात करते हैं कि सिचुएशन हैंडल कैसे करनी है। अब वेट गेन भी हुआ हुआ है, आप लोगों ने खाया भी है, इसको क्लीन कैसे करना है, क्लियर कैसे करना है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या हेल्प करता है? आपको हेल्प करता है डिटॉक्स। नाउ डिटॉक्स से क्या क्या चीज़ें हम हेल्प ले सकते हैं, किस तरीके से बॉडी को बैक टू दी शेप ले सकते हैं? जितनी भी न्यू ब्राइड्स होती हैं या फिर जितनी भी लेडीज़ होती है जिनको क्विक वेट लॉस चाहिए होता है, वाटर रिटेंशन वाला वेट होता है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेस करके खाया है, उसको क्लीन करने का जो वेट होता है वो किस तरीके से हम शेड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी, फास्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में हम हेल्प लेंगे हमारे डिटॉक्स की एंड बहुत सारे वाटर की एंड बॉडी को रेस्ट देंगे। जब भी आप डिटॉक्स करते हो, मैं 3 दिन पहले भी डिटॉक्स किया था, मेरे को हेल्प मिला एंड अभी तभी मेरा फेस छोटू दिख रहा है, वरना इतना बड़ा बलून की तरह हो गया था। आज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ अपना डिटॉक्स, तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें आपको भी हेल्प करेगी एंड मुझे भी समझ आएगी कि आपकी बॉडी पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करके मुझे फीडबैक देते हैं एंड उससे मेरे को लर्निंग मिलती है। नाउ पॉइंट इज़ कि हम डिटॉक्स करते हैं तो उसके लिए सबसे बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट वीक डिटॉक्स ट्राई किया था, बट उस पूरे दिन मेरा इतना भागा दौड़ी हुआ, मैंने टीज टाइम पे ली, मील टाइम पे लिया, बट पानी नहीं लिया और बॉडी को रेस्ट नहीं दिया, मेरा वेट गिरने की जगह दोबारा बढ़ गया। एंड दो मैं उस दिन पूरा दिन जीरो सॉल्ट पे भी थी। सो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आपको अपनी बॉडी का एक्सेस वेट शेड करना है और अपनी बॉडी को क्लियर करना है, यू हैव टू मेक श्योर आपको रेस्ट देना है, आपको प्रॉपर रेस्ट मोड में आना है, आपको बहुत अच्छे से अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, पानी पीना है एटलीस्ट 3 से 4 लीटर एंड अपने यूरिन को बिल्कुल होल्ड नहीं करना है, ब्लैडर पे बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है और इंस्टेंटली आपको वॉशरूम भागना है। जब भी हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं या जब भी हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं, इससे सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपकी बॉडी में एक्सेस जो वाटर रिटेंशन है, जो वाटर होल्ड हुआ हुआ है, स्वेलिंग है, वो बिल्कुल फ्लश ऑफ हो जाती है। एंड अनदर पार्ट इज़ आपका 1 day के अंदर ईजिली वेट जाता है 1 to 1.5 kgs, वो सारा वाटर रिटेंशन होता है। इट्स नॉट अ फैट जो आपकी बॉडी से निकला, इट्स जस्ट अ वाटर रिटेंशन। एंड आपको लीन दिखना है क्विकली, जैसे मुझे दिखना है, मेरे पास बहुत कम दिन है, सो उसके लिए आपको ना जीरो सॉल्ट पे कभी ना कभी ऑन ऑफ वीक में आना पड़ेगा। बट जिस दिन आप जीरो सॉल्ट पे आओगे, यू हैव टू मेक श्योर आप उस दिन घर रहेंगे, बॉडी को रेस्ट देंगे एंड वॉक करेंगे 30 मिनट्स का एंड अच्छे से पानी पियेंगे अच्छे से, और 8 घंटे की नींद मस्ट। बात करते हैं कि डिटॉक्स में लेना क्या क्या है, किस तरीके से हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, खाना क्या क्या है जिसकी हेल्प से हमको चीज़ें सेटल डाउन हो। ए पार्ट स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से एंड मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के लिए हम चलते हैं किचन। सो ये रहा हमारा मॉर्निंग ड्रिंक, ये लिया मैंने 1 कप गर्म पानी और इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, 1 चम्मच गया, 1 और चम्मच, बढ़िया, ये बन गया जी मेरा मॉर्निंग ड्रिंक। नहीं तो आप इसमें एक लेमन जूस भी डाल सकते हैं अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर आउट ऑफ द बजट लगेगा तो। नेक्स्ट बी पार्ट हम लेंगे ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में मैंने क्या चूज़ किया था, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास है बेसन का चिल्ला बिना नमक का, आलू गोभी की सब्ज़ी, मिंट की चटनी एंड दिस 1/2 कप ऑफ टी विदाउट शुगर। सो ये चलेगा मेरा नाश्ता। एक ही बेसन का चिल्ला ले रही हूँ मैं, जस्ट बहुत सिंपल सा छोटा सा बेसन का चिल्ला। वेलकम बैक। अगर आपको लगता है कि ब्रेकफास्ट में आप ये नहीं ले सकते, कुछ और ऑप्शंस आपको चाहिए, उसके साथ हम लेंगे कोल्ड सैंडविच। कोल्ड सैंडविच बिना सॉल्ट का इजीली चला जाता है, मैंने पर्सनली खाया हुआ है, ये है कोल्ड सैंडविच की वीडियो एंड लेटेस्ट वीडियो है ये, आप डेफिनेटली लीजिएगा। इसके अलावा आप कोई भी सैंडविच ले सकते हैं, अगर आप एग लवर हैं आप बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं 2 से 3 विद योक, उसके बाद 2 से 4 ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड टोस्ट करके। ऐसे अंडा और ब्रेड के साथ मुझे नहीं लगता कि सॉल्ट जाता है, मतलब मैं बिना सॉल्ट के चला लेती हूँ ये चीज़ें। ये कुछ रेसिपीज़ हैं जो बिना सॉल्ट के मैं आपको बता रही हूँ एंड ट्रस्ट मी खाई जाती हैं। विद मिल्क, टी एंड कॉफ़ी, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। मिड ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको बताती हूँ फ्रूट। नेक्स्ट कोई भी एक फ्रूट मिड ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, मैं मैक्सिमम अनार प्रेफर करती हूँ। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लंच की।
लंच में मैं लूँगी स्मूदीज और शेक। मैं बना रही हूँ अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। नाउ कोल्ड कॉफ़ी कैसे बनानी है चलते हैं किचन में। ओके, हम बनाने जा रहे हैं लंच और लंच में बना रही हूँ कॉफ़ी। ये रहा मेरे पास दूध। आप आलमंड मिल्क, ओट मिल्क ले सकते हैं, मैं फुल फैट मिल्क ले रही हूँ। मेरे पास ये है आलमंड्स, मैंने डाले इसमें 8 से 10 आलमंड्स। मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच ओट्स का। मैं इसमें डालूँगी मेरी कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाएंगे हम। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए 2 खजूर, 1-2 खजूर। अब इन सबको हम करेंगे ब्लेंड। सो ये रही हमारी कॉफ़ी। कॉफ़ी को भी खुशबू आ गई है। वेलकम बैक जी। अगर आपको कोल्ड कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल मूड नहीं है लेने का, हम लेंगे चिया सीड पुडिंग। मैंगोज आ गए हैं मार्केट में, चिया सीड पुडिंग। मैंगो वाले भी रेसिपी ये रही, नॉर्मल वाली भी ये रही, बेसिल सीड्स की पुडिंग भी हम ले सकते हैं वो ये रही। बट अगर आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों में से आपको कुछ भी नहीं लेना, मेरे चैनल पे एन नंबर ऑफ स्मूदीज़ की रेसिपी है, आप कोई भी स्मूदीज़ की रेसिपी पिक कर सकते हैं एंड वो ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। इवनिंग टी के टाइम पे हमें क्या लेना है, पील टी। मैं पील टी ले रही हूँ बहुत लंबे समय से, मौसम्बी का पील टी, एंड ट्रस्ट मी इट्स वर्क अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। उसके साथ मैं भुना हुआ मखाना या फिर रोस्टेड पनीर या फिर रोस्टेड टोफू ले रही हूँ, या फिर अगर मेरे को मन करता है कि बहुत ज़्यादा भूख है एंड बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मैं खूब सारे खीरा प्याज टमाटर काट के सैलड बना के उसके साथ अपनी डाइट में ऐड करती हूँ। ओके, तो ये रही हमारी पील टी और ये रहा मेरा रोस्टेड टोफू, ये मैं लेंगे इसके साथ इवनिंग में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिनर की। नाउ डिनर के अंदर मैं मैक्सिमम ले रही हूँ बाउल ऑफ पपाया या फिर मैं ले रही हूँ कोई भी सूप। ये रहे मेरे चैनल पे सूप्स, इनमें से कोई भी रेसिपी आप पिक कर सकते हैं, या फिर मैं ले रही हूँ शीरा। ये रही शीरे की रेसिपी, आप इनमें से कोई सी भी रेसिपीज मेरी इनमें से पिक इजीली कर सकते हैं। बात करते हैं नाइट ड्रिंक की, नाइट ड्रिंक कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक में मैं ले रही हूँ लेमन ग्रास टी, ये मेरी बॉडी पे बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं फ्रेश लेमन ग्रास यूज़ करती हूँ 90%, बट अभी मेरे पास है नहीं, वो ख़त्म हो गए हैं, एंड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ड्राई लीव्स, ड्राई लेमन ग्रास। ये डाल दिया मैंने पानी मेरा, ये हम इसमें रखेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। बहुत तेज़ गर्म पानी है, इतना गर्म पिया नहीं जाएगा, और उसके बाद हम इसे सिप सिप करके पियेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारी टीज की। जितनी भी यहाँ पे मॉर्निंग ड्रिंक, इवनिंग ड्रिंक, नाइट ड्रिंक लेते हैं, मेक श्योर आप उसको कैरी करो, उसको लो। बहुत सारे लोगों की मिस्टेक्स ये होती हैं, वो ड्रिंक्स स्किप कर देते हैं या ड्रिंक्स छोड़ देते हैं, वो चीज़ हम नहीं करेंगे। नॉर्मल वाटर का जो इंटेक होगा 3.5 to 4 liters होगा। ट्राई दिस एंड यू विल लूज इजिली 1 to 1.5 kg इन अ डे, एंड नेक्स्ट डे आप सुपर लीन दिखोगे। मुझे 15th of April तक सुपर लीन दिखना है, एंड ट्रस्ट मी मैं बहुत ज़्यादा वर्क करूँगी इस चीज़ पे, एंड मैं साथ साथ इसकी कुछ ना कुछ वीडियोज़ बनाऊँगी व्हाट आई ईट इन अ डे। 15 दिन के अंदर मेरा टारगेट पूरा है कि मैं 5 किलो लूज़ कर लूँ, और मैं कर भी लूँगी। सो लीव अ कमेंट अगर आपको वो सारी चीज़ें चाहिए, दैट व्हाट आई ईट इन अ डे का। So yeah, that's it. I'll see you soon. Happy Navratri and Happy Ashtami aap sab logo ko. So I'll see you soon in my next upcoming video, jisme main leke aaungi swara ka transformation, and it's amazing transformation with whole diet, pura ka pura unka diet chart ke saath. So take care ji, bye bye.